अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सामने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की स्क्रीन खुली हुई है। इसमें अभी हम देखेंगे कि प्रोफाइल्स जो हैं, यानी एक जो टेस्ट होता है मेडिकल का डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो भी टेस्ट होता है वो बनता किस तरह है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या टेस्ट शामिल होते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है कम्प्लीट। हम सबसे पहले जाते हैं प्रोफाइल एंड प्रोसीजर्स में। ये हमारे सामने स्क्रीन खुल गई है टेस्ट एंड प्रोसीजर्स वगैरह की, जिसमें कम्प्लीट टेस्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, ए टू जी जितने भी टेस्ट हैं, उनमें से ये जिन पे चेक मार्क सेलेक्ट है, यानी ये एक्टिव हुए हुए हैं, ये इज़ एक्टिव, यानी ये हम हमारी लेबॉर्टरी में ये टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, उसके अलावा जो टेस्ट एक्टिव नहीं है वो हमारी लेबॉर्टरी में परफॉर्म नहीं हो रहा। इस तरह अभी हम देखते हैं कि कोई जो टेस्ट हमारी लेबॉर्टरी में परफॉर्म हो रहा है उसमें रेंजेस कैसे आई हैं, उसमें रेंजेस कैसे आई हैं, उसमें वैल्यूज़ कैसे आई हैं, बाकी ये सारा हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सीपी, ये हमारे सामने आ गया सीपी कंप्लीट ब्लड कंप्लीट पिक्चर, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसकी हम पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से प्रीव्यू रिपोर्ट पर क्लिक किया, ये हमारे सामने उसकी रिपोर्ट आ गई है, जो कि कंप्लीट हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का ये है और कंप्लीट ब्लड पिक्चर ये टेस्ट है। इसमें एक टेस्ट होता है WBC काउंट देखा जाता है, RBC काउंट देखा जाता है, हेमोग्लोबिन और मज़ीद इस तरह जितने भी इसमें टेस्ट होते हैं वो, उनकी नॉर्मल रेंजेस ये लिखी हुई हैं, यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। अगर हमने किसी के यूनिट्स चेंज करने हों, नॉर्मल रेंजेस चेंज करनी हों, या ये टेस्ट चेंज करने हों, जैसे अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास WBC काउंट इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है, ये गलती से इसमें ऐड हुआ हुआ है, तो हम वो कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, या कोई नया एक ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये देखने के लिए हम सबसे पहले इस रिपोर्ट को बंद करते हैं। यहीं इसी स्क्रीन पे ये हमारे सामने आएगा शो टेस्ट। हमने ये टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, प्रोफाइल है जो कंप्लीट, इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो हमने देखने हैं, शो टेस्ट करते हैं। हमने टेस्ट शो किया तो उसमें ये हमारे सामने सीपी की टेस्ट जो परफॉर्म होते हैं उसमें वो सारे शो हो गए हैं, जैसे इसमें WBC काउंट होता है, RBC काउंट होता है, हेमोग्लोबिन होता है, बाकी इस तरह जो भी होते हैं वो कंप्लीट। इसका ऑर्डर ऐसे रखना पड़ता है 1 2 3 4। अगर यहाँ हम RBC को नंबर 1 पे लाना चाहें तो यहाँ पे इनकी तरतीब चेंज करेंगे, इसको नंबर 1 कर देंगे तो ये प्रीव्यू में जब रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो सबसे ऊपर ये आया करेगा। इसके अलावा अगर जैसे इसमें मज़ीद कोई और ऐड करना चाहे 12 के बाद, अगर हम कहें कि इस CP का ये भी हिस्सा है 1 और आफ्टर 5G ग्लूकोज, तो यहाँ पे हम अगर 13 करके इसको एक्टिव करेंगे तो ये भी हमारे CP टेस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। इसी तरह यहाँ से ही हम अगर एडिट करें तो मज़ीद इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका नाम वगैरह चेंज करना हो, इसका यहाँ से डिपार्टमेंट सेक्शन, यहाँ से हेमाटोलॉजी की जगह कुछ और अगर है तो वो कर सकते हैं, प्राइस वगैरह अगर चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट के अलावा दूसरी चीज़ होती है पैरामीटर्स, कि CP बनने में पैरामीटर्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो क्या क्या है, कर सकते हैं। रिपोर्ट एक बार हम फिर देख लेते हैं। रिपोर्ट में जैसे ये हमारी ये WBC काउंट और ये बाकी वैल्यूज़ आ रही थी, ये हमने सारी अगर चेंज करनी है तो वो मैं एक बार फिर करके बता देता हूँ। हम यहीं से शो टेस्ट में गए, शो टेस्ट में ये सारे टेस्ट वगैरह आ गए, उसके बाद यहीं से हम शो पैरामीटर्स में चले गए, उसके ये सारे पैरामीटर्स आ गए। हम यहाँ से उसकी रेंजेस पे चले गए और नोट्स पे चले गए, तो ये हमारे सामने सारे रेंज एंड नोट्स आ गए हैं कि एज अगर उसकी 1 और हो, मेल हो या फीमेल, तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 14.5 से 20.5, इस तरह डिफरेंट जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी, अगर इस पर कोई भी वैल्यू अगर रॉन्ग है तो हम चेंज कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर से एक कंप्लीट प्रोफाइल बनती है। थैंक यू।